मुंगेली में एक हैवान ने देख मुंगेली में एक हैवान ने नाबालिग को जिंदा जला दिया। पहले तो दरिंदे ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस अपने नापाक मंसूबों में नाकामयाब रहा तो उसने पीड़िता को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक जवान ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की, मगर जब नाबालिग के विरोध करने पर दरिंदा अपनी हैवानियत में नाकाम रहा तो उसने किशोरी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा के रख दिया है। नावा गांव की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है 15 साल की, उसको एक गांव का ही लड़का है बबलू भास्कर, वो छेड़खानी करने की नियत से उसके घर आया और छेड़खानी कर रहा था, जिसके द्वारा पीड़िता के द्वारा उसको विरोध किया जा रहा था। और तो फिर जो आरोपी है उसने गुस्से में आकर अपने साथ रखे एक जर्किन में मिट्टी के तेल से उसको छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दिया, जिससे जो पीड़िता है बच्ची है वो दौड़ते भागते हुए अपने बाड़ी तरफ गई, जिसे उसके परिजनों के द्वारा आग को बुझाया गया और तत्काल 108 की मदद से जिला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और वहां पर जिला हॉस्पिटल में थोड़ा सा इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। हैवानियत की वारदात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नवा गांव गुटेरा की है, जहां पर गांव के ही आरोपी बबलू भास्कर है 14 साल की नाबालिग को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की नियत से घर में घुस गया और नाबालिग के साथ छेड़खानी करने लगा और उसे हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। जब किशोरी ने उसका डटकर विरोध किया और बबलू को उसके गंदे इरादे में कामयाब नहीं होने दिया, तब आरोपी ने मिट्टी का तेल डालकर किशोरी को जिंदा जला दिया। आग की लपटों में झुलसती हुई बच्ची मदद के लिए चीख पुकार करती रही, इधर उधर भागती रही। तब घबराए आसपास के लोगों ने आग बुझाई और पीड़िता को अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नवागांव में हुई इस रूह कपा देने वाली हत्या की वारदात से हर कोई गुस्से में है, जबकि अपनी बच्ची को खो देने के गम में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब परिजन घर से गए थे तब किशोरी घर में अच्छी भली थी, लेकिन वापस लौटे तो घर का मंजर ही कुछ और था, जैसे एक पल में घर की पूरी खुशियां तबाह हो गई। इस दौरान उसका पुलिस कथन हुआ है और उसके बाद हमने तत्काल हमारे संज्ञान में आते ही आरोपी को अपने गिरफ्त में कर लिया है और उसे धारा 302, 506, 354 IPC और 8 पासवर्ड के तहत गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। पुलिस जो है वहाँ पर जो अभी जिला हॉस्पिटल में सहायता केंद्र है उसमें कुल्लू प्रसाद उपाध्याय हैं हेड कांस्टेबल, उनके द्वारा मृत्यु कथन गवाहों के समक्ष में लिया गया है और पीड़िता से अंगूठे का निशान भी लगवाया गया है और उसके पिताजी और उसके परिजनों के सबके कथन में ये बात आ रही है कि जो बबलू भास्कर है उसी के द्वारा छेड़खानी किया गया और विरोध करने पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाई गई है, ये बात स्पष्ट रूप से आई है। सिटी कोतवाली पुलिस को इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने सबसे पहले आरोपी की घेराबंदी करते हुए उसे हिरासत में लिया ताकि वो मौका देख कर भाग ना निकले। उसके बाद परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी के विरुद्ध हत्या छेड़खानी पॉक्स को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। मैं तो मुंगेली आ गए हैं 12 बजे, अब 12 बजे जैसे मैं निकले हूं तो वो आक्रमण, वो लड़का 12 बजे घटना हो है और मोर पर आदमी आए मुंगेली में खोज खुजा के बोले, लेकिन मैं पहुंचे 1:30 बजे, 1:30 बजे पहुंचे तो वो 100-150 आदमी के करीब मोर दरवाजा में वहाँ भीड़ लगे रही से तो अग्निम लहे कहरत पड़े रहा है कहर। बोले बेटी ये हालत कैसे तोर हुई से, पक्की मकान है तो कहाँ के आगे पाए का हाल से होइस। तो लड़की कहते बाबू ये पड़ोसी है हवाई बगल के लड़का बबलू ना के तेल हम धर पकड़ के मारे है और आगिल जला के माचिस तेल डाल के माचिस खींचे वही मोला मारे करके वह 4-6 बार रिपीट करी आने गाँव वाले के सामने घलक में। मैं गाँव वाले ला देखो दादा भाई हो ऐसे करके मैं जानकारी सूचना घलक दिए। रिपोर्ट थाने में नहीं गए साहब, एक बेर बाएं हो लड़का के हालत ले देखा सीधा डायरेक्ट मैं एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस 1.5 घंटा लेट पर पहुंचे है, एम्बुलेंस में लाए ला के यहाँ तुरंत भर्ती करे, मुलाजा उलाजा सब दवाई पानी ऐसे लगाई लड़की बन के बयान करी कौन है डॉक्टर साहब ले चौकी वाले पुलिस ले थाना वाले पुलिस सब ले और कैमरा घलक खींची जो रिकॉर्डिंग करी। बाद में अब ऊपर छत में लेगी साहब बोले रिफर करेल कही तो मैं कहूँ तो सीरियस हो गया ज्यादा,
एला लेक की परेशानी नहीं उठा साहब, जब भगवान बनाए तो बनाए इसे कहे लेक ऊपर छत में चढ़ाई लगी से दो मंजिल में, उसके बाद आधा घंटा समाप्त होगी इसे, और मैं कत का भी रिपोर्ट करा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता का शव परिजनों को सौंप दिया, तो वहीं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन इस वारदात को लेकर लोग इलाके के अब तक आक्रोश में हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते देश में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जबकि हैवान अपनी हैवानियत से बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जबकि हैवान अपनी हैवानियत से बाज नहीं आ रही है। हवालात के लिए मुगली से रोहित कश्यप की रिपोर्ट।